नमस्कार, मेवार मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स का बिजनेस ही करना चाहिए ऐसा मैं बोलता हूं। बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन ये ही क्यों करना चाहिए, वाई दिस बिजनेस, इसके बारे में आज आपको ये मैं वीडियो बना रहा हूं। जो आप पूरा देखें, 10 रीजन मैंने बनाए हैं आपको बताने के लिए कि 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके कारण से ये बिजनेस ही करना चाहिए। यस, पहला रीजन कि इस बिजनेस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो भी आप इसको कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होने पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के अंदर आप कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आप बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे तो आपको 20, 30, 40 रुपए, 50 रुपए के बिल, और आप बड़ा टर्नओवर नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर जब आप बैठेंगे अपने उस काउंटर के ऊपर, चाहे आपका मोबाइल का रिटेल काउंटर हो, चाहे कपड़े का काउंटर हो, किसी भी इस तरह से काउंटर पर आप अगर बैठेंगे तो बड़ा टर्नओवर, अगर आप 50 करोड़ का या 100 करोड़ का टर्नओवर करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसके अंदर बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। अगर किसी बिल्डिंग का आपको ऑर्डर मिलता है, आपको बहुत बड़ा टर्नओवर करने का चांस मिलता है। इसके अलावा तीसरा इसका सबसे पावरफुल पॉइंट है कि इस बिजनेस के अंदर मौसम का कोई मार नहीं है। यस, मौसम का कोई इफेक्ट नहीं है। सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों के अंदर इसके प्रोडक्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। कपड़े का बिजनेस है, बारिश में गीला हो जाएगा आपका, इसका स्टेशनरी का या बुक्स का बिजनेस है, खराब हो सकता है बारिश में। अगर आपके लाइट चली गई, आपका आइसक्रीम का या दूध का बिजनेस है, बिल्कुल खत्म। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है जिसके अंदर न सड़ने का, गलने का या किसी भी प्रकार के मौसम की कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा फोर्थ रीजन या चौथा रीजन, इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है, और अभी चारों तरफ से जबरदस्त विकास हो रहा है। मॉल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, तो इस कारण से स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक जगह घर बन रहे हैं, तो बहुत सारा स्कोप इस वक्त हमारे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के होने की वजह से है। और पांचवा रीजन है कि ये आइटम आज की तारीख में हर जगह यूज हो रहा है। छोटे से छोटे गांव में अगर कोई एक गरीब से गरीब बंदा भी अपना घर बनाता है तो वहां पर किचन में या बाथरूम में टाइल जरूर लगेगी, फ्रेम के अंदर मार्बल जरूर लगेगा। तो इस तरह से इसका स्कोप अभी इतना है आने वाले वर्षों में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिक्स रीजन या छठा रीजन, अगर मैं इस बिजनेस को करने का बताऊं क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, तो बिग अमाउंट बिल बनता है इसके अंदर, यानी बड़े बड़े इनवॉइस बनते हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इस तरह का दिन भर में बैठकर अगर आप रिटेल काउंटर पर बैठते हैं तो एक बड़ा पूरा दिन की टोटल लगाते तो बहुत सारे बिजनेस में देखते हैं 10,000 रुपए का गल्ला होता है या 5,000 का गल्ला होता है, लेकिन इस बिजनेस की विशेषता यह है कि आपका इनवॉइस ही 25,000, 50,000 और 1,00,000 का बनता है। और अगर सातवां रीजन इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए मैं बताऊं तो नो ऑनलाइन सेल। यस, आज पूरा रिटेल मार्केट या हर व्यापारी आज मंदी की चपेट में है और दुखी है। इसका एक ही रीजन है, उनको पता नहीं है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मंदी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कस्टमर्स नहीं है मार्केट में, लेकिन वो उसका रीजन उनको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि सारा बिजनेस आज ऑनलाइन हो रहा है। कपड़े से लेके, जूते से लेके, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीथिंग, यानी खाना भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जिन्होंने दो दो चार चार पांच पांच दिन की ऑफर के अंदर करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। 6,500 करोड़ का बिजनेस केवल 4 दिन में 2 वेबसाइट ने किया, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है मार्बल ग्रेनाइट और टाइल्स का जो भी ऑनलाइन सेल नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपने को करने जैसा है। और इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट रीजन बताऊं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए तो ये है प्रॉफिटेबल बिजनेस। यस, इसके अंदर बहुत सारा आपको प्रॉफिट, हिडन प्रॉफिट भी होता है, जो कि मैं, मेरे जितने भी फ्रेंचाइजी है और जो मेरे साथ मेरे
डीलर्स हैं उनको मैं बताता हूं कि इस बिजनेस के अंदर अभी भी प्रॉफिट बचा है, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आप सर्विस देते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है, मेजरमेंट में भी प्रॉफिट मिलता है। यस, इसके अलावा नेक्स्ट रीजन है, आपको इस मटेरियल का चोरी का डर नहीं होता है। आप अगर सोने चांदी की दुकान लेके बैठे हैं, अगर आप कपड़े की दुकान लेके बैठे हैं, मोबाइल की दुकान लेके बैठे हैं या कोई भी चीज की दुकान आप बैठे हैं, छोटे प्रोडक्ट रहते हैं तो आपको उसमें चोरी होने का डर है। रात को जब आप लॉक करके जाते हैं तो भी चोर ताला तोड़ के उसमें से कुछ भी चुरा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मार्बल और ग्रेनाइट ओपन पड़ा रहता है और उसके बावजूद चोर देखता भी है लेकिन चोरी करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो 4-6 जन को लाना पड़ेगा, टेम्पो ट्रक लानी पड़ेगी जब तक लोग उठ जाएंगे, और अगर संभाल के काम नहीं किया तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा और दब जाएगा अंदर। इसलिए बड़ा रिस्क है, इसलिए चोरी का डर नहीं, इसलिए बिजनेस करना चाहिए। एक्सपोर्ट का इसके अंदर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यस, आप घर बैठे आज जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस चालू हुए हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से छोटी बन गई है, पूरा वर्ल्ड एक गांव बन गया है, तो इसलिए आप घर बैठे ही इस बिजनेस में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए ये बिजनेस बहुत बहुत करने जैसा है। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, आप ये बिजनेस में करना चाहते हैं तो हम खुद इसको सिखाते हैं, हम फ्रेंचाइजी भी देते हैं इसके लिए, सिखाने के लिए। भारत में पहली बार हम लोगों ने ऐसा किसी ने किया नहीं है कि हम लोग इसके लिए सेमिनार कर रहे हैं और हम लोग फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो जरूर आप हमारे से कॉन्टेक्ट करिए, हमारे सेमिनार में आइए, हमारा फ्रेंचाइजी लीजिए और भरपूर पैसे कमाइए और इस बिजनेस से अपने ड्रीम को पूरा करिए। देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।